नमस्कार, मैं हूं सोनी सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल विंद में। आज मैं इस वीडियो में आपको जितिया से रिलेटेड सभी बातें बताऊंगी कि जितिया कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, व्रत तिथि क्या है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। इसे जितिया या ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन व त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है और इसी में से एक जीवित पुत्री का व्रत जो कि महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। ज्योतिया व्रत की तिथि, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है और नवमी तिथि तक चलता है, जो कि इस बार 18 सितंबर को शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को होगा। अब जितिया का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार अष्टमी तिथि 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि में रखा जाता है और इसलिए जितिया व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व है और यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। कहते हैं कि यह व्रत करने से महिलाओं को कभी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास हो रहता है। ज्योतिया व्रत का पूजा विधि क्या है? पूजा हम कैसे करते हैं? जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 2 दिन तक चलता है। पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके भोजन ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करें और फिर दिन भर निर्जला व्रत करें। यह व्रत बिल्कुल छठ व्रत की तरह होता है। इस व्रत में भी तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी, झोर और नोनी का साग खाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।